Hi guys, it's Mridula Sarkar, Mrids. Welcome back to my channel. आज मैं बिल्कुल बिखरी बिखरी सी लग रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट जा रही थी शेव करने, तो मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो इस चीज़ पर बनाना चाहिए, तो इसीलिए बिना नहाए ही आज मैं वीडियो बना रही हूँ. सो मैं कैसे शेव करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपकी स्किन स्मूथ भी रहेगी और आपको जो शेविंग के बाद एक रीग्रोथिंग के टाइम पे जो इचिंग होती है वो भी शायद आपकी दूर हो जाए. तो लेट्स चेक इट आउट एंड होपफुली आपको ये वीडियो भी उतना ही पसंद आएगा जितने मेरी दूसरी वीडियोज आते हैं. मैंने कल रात को ही, सुबह मुझे वीडियो बनाना था, इसीलिए मसूर दाल को अच्छे से दूध में मिला के रख दिया था, फुला लिया था. रात भर ये ऐसे ही था. अब इसमें मैं एक गुलाब का फूल डाल दूंगी, सारी पंखुड़ियां काट के डाल दूंगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी. अब मैंने इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है फ्रेंड्स, एज यू कैन सी. अब मैं इसमें आधे से भी कम चम्मच हल्दी मिक्स कर दिया है मैंने, और लगभग आधा चम्मच मैंने इसमें हींग डाला है. हींग किस लिए? कई बार ऐसा होता है कि, कई बार क्या, मुझे लगता है हर जो भी इंसान वैक्सिंग करता है या शेविंग करता है, जब रीग्रोथिंग होती है हेयर्स की, तब उनको इचिंग होने लगती है. इवन मुझे भी होती है. तो आप हींग डालेंगे तो वो इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपको रीग्रोथिंग के टाइम पे इचिंग होती है, वो धीरे 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 कम होने लग जाएगी. नाउ गाइस, एज यू कैन सी माय लेग्स, नाउ मैं अपने शेविंग के लिए कभी किसी तरह का सोप या कुछ यूज़ नहीं करती. जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ कंडीशनर. मैंने कंडीशनर को लिया और अपने, इट्स टू मच कोल्ड ओवर हियर, अपने पैर पे अच्छे से अप्लाई कर लिया. अब अप्लाई करने के बाद आप रेजर कुछ भी यूज़ करते हो, मुझे ये समझ नहीं आता बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेन्स एंड वुमेन्स का रेजर क्या है. दो आई एम यूजिंग दिस एंड शेविंग माय लेग्स. आई एम ट्राइंग दिस इन वन लेग सो दैट यू कैन बी एबल टू सी द डिफरेंस ऑफ माय बोथ द लेग्स. मेरे लेग्स, अब मैंने अपने राइट लेग को अच्छे से पूरी तरह क्लीन कर लिया है एंड सी, यू कैन सी द डिफरेंस. नाउ मैंने एक हैंकी को गर्म पानी में थोड़ी देर तक डुबो कर रखा था, उससे मैंने अपने पैर को अच्छे से वाइप कर लिया. ये मैंने गर्म पानी में इसलिए डुबो के रखा था ताकि पॉर्स ओपन रहे. अब इस जगह जहां मैंने शेव किया है वहां पे मैं ये एप्लीकेशन लगा लूंगी और इसको आप तब तक घिसते रहिए जब तक कि ये बिल्कुल सूख सा नहीं जाता. नाउ यू कैन सी ये लगभग मेरे पैर में पूरी तरह से चिपक गया है. अब इसको मैं ठंडे पानी के कपड़े से पोंछ लूंगी. गाइस, एक तो पहली चीज है कि आप सोप यूज करते हो तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आप सोप यूज करते हो और आप शेविंग करते हो तो आपके पॉर्स ओपन होते रहते हैं और वो जो सोप है वो आपके पॉर्स के अंदर जाता रहता है. कंडीशनर यूज करने का आपका ये फायदा है कि स्टार्टिंग से ही आपके कंडीशन के बाद जब हेयर रिमूवल हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो आपको तभी आपकी स्किन बहुत स्मूथ सी नजर आएगी. नाउ सी द डिफरेंस. Now try this up and tell me how you felt about this and do inform me in comment section. Thank you so much guys.